तो देखिए मैंने एक कटोरी तेल डाल लिया इसमें। अब हम इसे गर्म होने देंगे। और ये अजवाइन है, ये एक पुती लहसुन की है जो हमने छील ली है। अब हम इसे गर्म तेल में डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। और ये अजवाइन है, ये हमारे घुटनों में कितना भी दर्द हो और अगर हम इस तेल को लगाएंगे तो हमारे जितना भी दर्द होगा सब खत्म हो जाएगा। और ये तिल का तेल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा ग्रीस बनाता है और जितना भी दर्द होता है उसमें आराम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और ये तेल हमारे बच्चों के लिए, जिसे जिस बच्चों को खांसी होती है रात में, हम जब देखते हैं सर्दी लग गई है तो तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। हम उनके सीने पे लगा सकते हैं और उसमें मालिश करके और उनकी खांसी में भी आराम मिलेगा। और जिनके जोड़ों में दर्द है वो इसे रोज़ लगाएं और कितना फ़ायदा करेगा आप देखना, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। तो देखिए हम इसमें लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। साथ ही हम अजवाइन भी डालेंगे एक चम्मच। इसको जला देंगे अच्छे से। गैस हमने बंद कर दी है। इसको 2-3 घंटे, 3-4 घंटे हमें इसमें ही पड़े रहने देंगे। और फिर उसके बाद हम छान के इसे किसी सीसी में रख लेंगे या किसी बोतल में या किसी डिब्बी में भी रख सकते हैं इसे। हम ठंडा होने के बाद छानेंगे इसे 2-3 घंटे के बाद। अगर आपके घुटनों में सूजन है या कमर पे सूजन है, कहीं भी सूजन है, तो ये तेल बहुत फ़ायदा करेगा। आप इसे ज़रूर एक बार बना के लगा के देखना, बहुत आराम मिलेगा इसे। तो देखिए ठंडा हो चुका है, अब हम इसे 1-2 घंटे ऐसे ही रहने देंगे ताकि सारा इसका जितना भी फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए, तेल के अंदर, लहसुन अजवाइन का। अब हम इसे 2-3 घंटे बाद छान के आपको दिखाएंगे। इस तरह से लगाना है बिल्कुल आराम से। आपके घुटनों में दर्द है तब लगा सकते हैं, कमर में दर्द है तब लगा सकते हैं आप इसे, और बच्चों को खांसी होती है, जुकाम होता है, तब आप इनके पीठ पे लगाइए, पेट पे लगाइए, उसमें देखिए कितना आराम पड़ेगा। मैं आपको हाथ पे करके बता रही हूँ, घुटनों में आप इस तरह से लगाएंगे, आप इससे आपको इतने फायदे होंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी सर्दी आप इसे लगा सकते हैं। हमने इसमें 3 चीज़ें डाली हैं, लहसुन है, अजवाइन है और तिल का तेल है। आप ये 3 चीज़ों से इतने फ़ायदे देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, इतना आराम कि आपके कहीं भी कमर में, घुटनों में, कहीं भी दर्द होता है, पीठ में, तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। और तेल तो हमारा वैसे ही ग्रीस बनाता है, तिल का तेल हमारा बहुत फ़ायदा करता है, और लहसुन तो आप जानते हैं कितना फ़ायदा करता है। तो ये तीनों चीज़ें, अजवाइन है, लहसुन है, ये तीनों चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। तो आप इन चीज़ों को, इसके फ़ायदे उठाइए, आप अपने सर्दी सर्दी इसका ज़रूर उपयोग कीजिए कि आपको इतना आराम मिलेगा। इसको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, इसको आराम आराम से करके लगाना है, इस तरह से बिल्कुल नहीं रगड़ना, क्योंकि इससे ज़्यादा रगड़ने से आपके सूजन भी आ सकती है, इसलिए आपको आराम आराम से लगाना है। घुटनों में भी आप आराम आराम से लगा सकते हैं और फिर रात को आप गर्म पट्टी बांध सकते हैं और फिर सुबह उठ के देखिए कितना आराम मिलेगा।